गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुबह सुबह की चाय। और आज जो है मैं नाश्ता बनाने वाली हूँ, सूजी का हलवा मीठा। और इसी के साथ आपके साथ एक न्यूज़ भी शेयर करनी है। तो घी में मैंने सूजी डाला, उसे अच्छे से भून लिया है, क्योंकि इस वक्त थोड़ा मीठा अच्छा भी लग रहा है और दूसरा घी वगैरह मुझे खाना भी चाहिए। तो इस वजह से सूजी का हलवा सोचा आज बना दें, सुबह सुबह मीठा हो जाए। तो इसे अच्छे से भून लेना है, ब्राउन होने तक अच्छे से इसे भून लेंगे। देन देखिए, मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, डेसिकेटेड कोकोनट, इलायची वगैरह निकाल के रख लिए हैं, काट लिए हैं पहले से ही। अब भून गया है तब इसमें हम पानी डाल देंगे, अक्वा जितना भी आपको रिक्वायर्ड होगा उतना डाल लीजिए। अब उसके बाद हम इसमें चीनी डाल के अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे और ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे और इसे अच्छे से सुखा लेंगे। तो देखिए, हलवा परफेक्टली एकदम रेडी हो गया है। अब चलिए, अब इसे हम लोग प्लेटिंग करते हैं। तो ये है हलवा, बहुत अच्छा लग रहा था, टेस्टी लग रहा था। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल फ्यूचर स्टोरी। मैं हूँ श्रेया और आज जो अभी मैं बालकनी में बैठी हूँ, थोड़ा सा हवा और थोड़े से बाहर की जो है देखने के लिए, थोड़ा सा मेरा मूड चेंज करने के लिए। और आज इसी के साथ साथ जो है ब्रेकफास्ट में बन रहा है, बन गया है मतलब सूजी का हलवा मीठा। और इसी के साथ आज है घर में दोपहर पार्टी, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो चलिए फिलहाल तैयारियां कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी तैयारी करनी है मुझे। डोसा वगैरह देखिए, बैटर तो रेडी बैट है, बट बाकी चीज़ें तो मुझे बनानी पड़ेंगी। तो उसके लिए अभी से तैयारी शुरू करते हैं। और स्पेशल रीज़न भी है कि आज मैं आपके साथ मेरी जो ड्यू डेट है, मेरी एक्सपेक्टिंग डिलीवरी डेट जो है, वो मैं आपको बताऊँगी। इसी के साथ साथ काफ़ी तैयारियाँ भी शुरू हो गई है घर पर, बेबी से रिलेटेड और डिलीवरी टाइम से रिलेटेड काफ़ी कुछ होता है ना, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो इस क्योंकि अभी जो हम लोग हैं, हमारे फैमिली मेम्बर काफ़ी न्यूक्लियर फैमिली हमारी, तो हमने सोचा कि उस वक्त दौड़ भाग करने से ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा दौड़ भाग हो नहीं पाएगी। बहुत ज़्यादा जो लोग होते हैं आपके पास और बहुत ज़्यादा फैमिली फ्रेंड्स मेम्बर्स होते हैं ना, तो आपको इतना नहीं सोचना रहता है, वो मैनेज हो जाता है उस टाइम। बट अब जब आप न्यूक्लियर फैमिली में हो, अकेले हो, सब आपकी जिम्मेदारी है, तो इट्स बेटर कि आप चीज़ें जो है पहले से सॉर्ट आउट करके रख लो, पहले से मैनेज कर लो। और मेरी तो डिलीवरी की टाइम रहेगा, मैं तो कुछ नहीं कर पाऊँगी, बाकी घर वालों पे जो है प्रेशर पड़ेगा। तो इस वजह से काफ़ी चीज़ें हमने डिसाइड करी है कि पहले से ही रख लेंगे, और बहुत सारी चीज़ें करनी है जिसका आगे आपको ब्लॉग बाय ब्लॉग पता चलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और डोसा वगैरह बनाते हैं, उसके बाद में आपको बताती हूँ कि क्या है मेरी डिलीवरी डेट। थोड़ा सा सस्पेंस रहना चाहिए। तो यहाँ सांभर के लिए दाल लिया, तुअर दाल। इसमें मैं पानी, हल्दी, नमक और टमाटर ऐड करूँगी, सब्जियाँ नहीं हैं। और बहुत ज़्यादा मैं बिना सब्ज़ी के भी इस तरह से सांभर बना लेती हूँ, तो इस वजह से अगर आपके पास सब्ज़ी है तो आप डाल सकते हो उसमें। और भी मैं थोड़ा सांभर का मसाला भी ऐड करूँगी, टमाटर ऐड करूँगी, और इसके बाद इसे डायरेक्ट प्रेशर कुक करूँगी। बट इसी के साथ मैं इसमें आलू डालूँगी। अब आलू इसलिए डालूँगी कि डोसे के मसाले के लिए मुझे आलू चाहिए, तो ये काम एक साथ हो जाएगा, दैट्स वाई। तो एक साथ काम कर लेंगे, एक में दो काम हो जाएगा। पानी थोड़ा और ज़्यादा डाल दिया, अब इसे प्रेशर कुक कर लेना है हमें 5 सीटी में। तब तक कि मैंने यहाँ इमली को पानी में भिगो दिया है, जब तक हमारी दाल हो जाएगी, सांभर हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। और इसी के साथ थोड़ा नारियल, करी पत्ता, अदरक, और इसी के साथ मैं चॉप कर रही हूँ, और हरी मिर्च, और थोड़ा सा नारियल का जो है पाउडर, डेसिकेटेड नारियल, क्योंकि तो वो कच्चे नारियल कम हैं थोड़े। अब इसी के साथ इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, इसे ग्राइंड कर लेंगे, तो इस तरह का पेस्ट बन गया। इसमें नमक डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसके तड़के की तैयारी करते हैं हम लोग। अब तड़के के लिए मैंने इसमें राई डाली है, थोड़े से चना का दाल और उड़द की दाल डाली है, थोड़े करी पत्ते डालेंगे इसमें, और थोड़ी सी सूखी लाल मिर्च डालेंगे, और हम क्या करेंगे, अब इसे तड़का लगा देंगे। और यह हो गया हमारा, नारियल की चटनी भी तैयार हो गई है। तब तक सांभर उस तरफ पक ही रहा है, अब चलिए इस पर डाल देते हैं। बस हमारा काम हो गया, नारियल की चटनी बन गई। अब इसी के साथ साथ आलू जो है वो हमने मैश करके रख लिए हैं, क्योंकि अब इसका काम है मसाला बनाने का। तो चॉपिंग की है प्याज, लहसुन, सूखी मिर्च, हरी मिर्च, अदरक की, और वो सब काट लिया है। अब इसमें तेल डालेंगे हम आलू का मसाला बनाने के लिए। इसमें डालेंगे राई, चना, उड़द की दाल,
और इसी के साथ साथ करी पत्ते वो डालेंगे। फिर इसी के बाद हम इसमें हरी मिर्च डालेंगे, प्याज डालेंगे, लहसुन डालेंगे। लहसुन आप ना खाते हो, आप ना डालिए। और इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे प्याज को, ताकि इसका कच्चापन निकल जाए, स्लाइटली ब्राउन हो जाए। तो इसको करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे लिटिल बिट ऑफ हल्दी, थोड़ी हल्दी, और इसी के साथ साथ नमक स्वाद के अनुसार। तो वो हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देन हम इसमें आलू डाल देंगे मैश किए हुए, इसे अच्छे से चला देंगे, आलू को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। बस आलू का मसाला हमारा रेडी हो गया है डोसे के लिए। और फटाफट से काम कर लेने में यही फ़ायदा होता है, एक साथ में दो तीन काम ऐसे ही कर लेती हूँ। तो ये रेडी हुआ। अब इसी के लिए सांभर में के लिए हमने तेल गरम कर लिया तड़का लगाने के लिए। सेम वही सूखी मिर्च, सरसों, उड़द की दाल, चने की दाल, करी पत्ता, प्याज, लहसुन डाल के इसे अच्छे से सौते करना है, इसे अच्छे से फ्राई करना है। इसमें थोड़ी हींग भी डाल दे रही हूँ मैं, फ्लेवर भी अच्छा आता है, डाइजेशन में भी अच्छा होता है। और सांभर का मसाला डाल देते हैं जब प्याज अच्छे से फ्राई हो जाए, तब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़ी सी दाल डालेंगे, फिर बाकी का तड़का पूरा हम दाल में ही डाल देंगे। तो ये देखिए, थोड़ा सा मैंने दो जो है 2 चम्मच बड़े चम्मच मैंने दाल डाली, अब इसमें दाल डाल दिया। सांभर रेडी है, बस सब्ज़ी की कमी है, बट कोई नहीं, स्वाद तो अच्छा ही आना है। अब इसमें इमली का हम पानी भी इसी वक्त मिला देंगे। अब ये हमारा डोसा बैटर देखिए इतना कंसिस्टेंसी का रेडी है, आलू का मसाला रेडी है, सांभर भी वहाँ पे रेडी है, तवा हमने गरम कर लिया है। अब इसे गीले कपड़े से पोंछ लेंगे। देन हम इसमें थोड़ा सा ऑयल करेंगे, ये मैं सिर्फ फर्स्ट डोसे के लिए करती हूँ, ताकि अच्छा से जो है वो चिपके ना डोसा। फिर इसे गीले कपड़े से फिर एक बार पोंछ लेंगे, तवा बहुत अच्छा सा गरम कर लेंगे। अब तवे को मीडियम हीट पे हम कर देंगे और डोसे के बैटर को हम इस तरह से फैलाएंगे, पोर करेंगे। आप कटोरी से कर सकते हो या लैडल से कर सकते हो, जैसे आपका मन करे। और देखिए कितने अच्छे बबल्स निकलने भी लगे हैं डोसे से। ये रेडीमेड डोसा है, मैंने इसका मिक्सचर नहीं बनाया है, यहाँ बना बनाया मिक्सचर मिल जाता है। अब इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, जब पूरा नीचे का जो लेयर है वो अच्छे से थोड़ा सिक जाएगा, तब हम इसमें ऑयल डालेंगे। फिर हम इसे पलट देंगे, क्योंकि मैं इसमें सीधा आलू नहीं डालूंगी। आलू आप प्लेट में भी दे देंगे, लोग अपने अकॉर्डिंग ही खा लेंगे, तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। इसी तरह दोनों तरफ से सिक देंगे और काफ़ी क्रिस्प सा डोसा निकल जाएगा। तो जिसको मसाला डोसा खाने का मन करेगा वो मसाला डोसा खा सकते हैं, जिसे पेपर डोसा खाने का मन करेगा उसे पेपर डोसा मिलेगा। तो इस तरह से दोनों तरफ सिक गया, हमारा डोसा रेडी हो गया। इसी तरह के मैं सारे बना लूँगी। ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है ना हमारी प्लेट। अब मेरे भी टर्न आ गया है, मैं इसे खा लूँगी। हमारा लंच आज का यही था, और काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी इसे बना लूँ, तो फाइनली मैंने इसे बना लिया और ये काफ़ी अच्छा और टेस्टी सा बना हुआ था। इसी के बाद हमने मशीन लगाई, क्योंकि आज बड़ी सफाई करनी थी। सोच रहे थे होली नज़दीक ही आ रही है, तो सब धीरे धीरे सफाइयाँ शुरू करें, पर्दे, कर्टन, सोफे का कवर वगैरह सब हम। तो गाइस यहाँ पे जो है हमने खा पी लिया, डोसा वगैरह सब बना लिया। थोड़ा सा क्या हो गया ना, डोसा खाने के बाद ज़्यादा तो मिर्च मसाले मैंने नहीं डाले थे बिल्कुल भी, बहुत ही लाइट बनाया था। पर मुझे ना थोड़ा एसिडिटी का प्रॉब्लम हो गया काफ़ी टाइम तक, अभी 4 बज रहे हैं। मैंने सोचा मैं व्लॉग कर भी नहीं पाऊँगी, ऐसा हालत हो रखा था, बहुत हार्ट बर्न हो रहा था। और ज़्यादा नहीं खाया था मैं, ज़्यादा इस वक्त नहीं खाती इसलिए कि कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। बट मैंने बहुत सिंपल ही बनाया, फिर भी मुझे थोड़ी सी एसिडिटी और हार्ट बर्न की प्रॉब्लम हो गई। तो जो है डॉक्टर ने मुझे PAN40 प्रिस्क्राइब किया है कि आप इसे खा सकते हो, तो पैंडी ले सकते हो। देखो अब मैं आपको बता दे रही हूँ, आप मत लेने लगना बिना अपने डॉक्टर से पूछे, तो बिल्कुल मत लेना। तो अभी मैंने फ़िलहाल नहीं लिया, अभी मैं बहुत ठंडा ठंडा पानी पी रही हूँ, क्योंकि यहाँ गर्मियाँ स्टार्ट हो गई। अचानक ही मार्च आते हुए ना गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं, दैट्स वाई अभी हम लोग ठंडा पानी पी रहे हैं। अचानक से अब तक फेब में ना हम लोग गर्म पानी से ही नहा रहे थे, स्पेशली मैं तो नहा रही थी, क्योंकि मैंने बहुत झेल लिया है, बुखार, सर्दी, जुकाम, गला ख़राब, क्या क्या, आपको तो पता ही होगा, कर रोज़ फॉलो करते हो मुझे। तो अभी मार्च में मैंने बंद कर दिया बिल्कुल भी। अब सडन मौसम बहुत जल्दी चेंज हो गया, दैट्स वाई। तो अभी मैं आपको बताने वाली थी मेरी ड्यू डिलीवरी डेट, सोचा था कि लंच के बाद ही बता देंगे, बट नहीं हो पाया। तो कोई बात नहीं, अभी भी देर नहीं हुई है, शाम हो ही है। तो मेरी जो एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट थी वो मैंने आपको पहले बताया है कि वो अप्रैल लास्ट में थी, बट आज मैं आपको बता रही हूँ कि वो एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट जो है वो कौन सी डेट है, मतलब फिक्स डेट जो डॉक्टर ने हमें दी है। तो मोस्टली वही होता है जो हमारे
सोनोग्राफी रिपोर्ट यानी अल्ट्रासाउंड आप जब भी कराने जाओ तो आपको शुरू से ही एक डेट के साथ या आगे पीछे वो डेट क्लियर रखती है, मतलब 2nd to 9th month के आपके हर सोनोग्राफी में। तो मेरे साथ भी वही हुआ। देन मैंने बहुत जल्दी नहीं मचाई थी डिलीवरी डेट के लिए, बहुत लास्ट में ही पूछा था मैंने कि ड्यू डेट क्या होगी, कि तो उन्होंने बताया कि मोस्ट प्रॉबेबली ड्यू डेट वही होती है जो आपकी सोनोग्राफी आपको बताती है, तो वही हम भी बता रहे हैं। तो वही आपकी ड्यू डेट है, आपका 40 weeks कंप्लीट होने तक ड्यू डेट मानी जाती है। अब वो पॉसिबल है कि आपकी डिलीवरी उसके ड्यू डेट के बहुत पहले भी हो सकती है और ड्यू डेट लेकर उसके कई दिन बाद भी होती है, ऐसा मैंने बहुत केसेस में सुना है। 9th month लगते ऊपर 1 week होते ही 9th month का भी डिलीवरी हो जाती है और पूरा का पूरा 40-41 weeks लेकर भी डिलीवरी होती है। तो मेरी जो डॉक्टर ने डेट दी है वो है 19th of April, यह है मेरी एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट, ड्यू डेट यही है 19 or 20, बट मोस्ट प्रॉबेबली इस 19, बट देखते हैं क्या होता है, आई रियली डोंट नो। डिलीवरी डेट का तो पता है, अब डिलीवरी होती किस दिन है वो तो सिर्फ भगवान जानते हैं, और जब भी होगी तो मैं आपको बताऊंगी। आई रियली डोंट नो मैं सब ब्लॉग कर पाऊंगी या नहीं, शायद मैं तो नहीं कर पाऊंगी, अब बाद में खबर दे दूंगी, अगर मुझे पहले होता है या बाद में होता है, जब भी होगा मैं आपको अपडेट कर दूंगी। इतनी गर्मी हो रही है ना कि क्या बताऊँ, मैंने सोचा फ़ैन ऑन करके बात नहीं हो पाएगी क्योंकि बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है, मगर इतनी गर्मी में ऐसे भी बात नहीं हो पाएगी। और अभी चाय का टाइम हो रहा है तो चाय पियेंगे अभी। अभी फ़िलहाल मेरी एसिडिटी की प्रॉब्लम ठीक है तो चाय पियेंगे थोड़ा सा, फिर उसके बाद बाकी के काम करेंगे। और इसी के साथ साथ काफ़ी काम मेरे घर में शुरू हो गए हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ मैंने बैग्स निकाल के रखे हैं और जो छोटे छोटे बैग हैं, बहुत बड़े बैग नहीं हैं, ये एक दो बैग मैंने निकाल के रखे हैं मेरे हॉस्पिटल बैग के लिए, क्योंकि ये अब 8 months रनिंग है। लोग कहते हैं 8 month में आपको अपनी हॉस्पिटल बैग की प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए, फिर भी मैं बहुत लेट हूँ और मैंने सोचा कि ठीक है अब एट लास्ट हम 8 months के लास्ट में करेंगे, क्योंकि इधर तो थोड़ी बहुत कुछ ना कुछ मुझे लगा ही हुआ था। फिलहाल अभी मेरी इचिंग में भी मुझे काफ़ी राहत है बिकॉज ऑफ द मेडिसिन, तो इस वजह से मैंने सोचा कि बैग वैग निकाल लेते हैं, चेक कर लेते हैं कौन सा बैग सुटेबल होगा, क्योंकि लगेज जो है जितने हैं बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हैं। सो इस वजह से मेरी मम्मी ने मुझे 2 छोटे छोटे क्यूट बैग भेजे हैं फॉर मी एंड फॉर माई बेबी हॉस्पिटल बैग, ताकि मुझे कभी भी मतलब ज़रूरत पड़े, नॉट इवन हॉस्पिटल, कहीं भी जाना वाना है एक दो जगह पे या एक दो दिन के लिए फॉर विद अ स्मॉल बेबी, तो उसमें मुझे काम आ जाए। तो वही मैं देख रही थी, अब हॉस्पिटल बैग्स की भी तैयारी करनी है और बहुत सारा चीज़ भी मंगाना है जिसकी लिस्ट मैंने डाल रखी है, प्रॉबेबली वो 1 हफ्ते के अंदर आ जाएंगे, तो वह मैंने शुरुआत कर दी है। और इसी के साथ साथ बेबीज़ के वैसे के साथ बेबी के लिए और क्या क्या तैयारी हो रही है वो मैं आपको दिखाते चलूँगी। सो गाइस आई होप कि आपको वीडियो तो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करें इसी तरह के वीडियोस के लिए। और मेरा पूरा दिन तो आज इसी में निकल गया और इसी तरह की तैयारियों में, कल परसों का भी दिन ऐसे ही जाने वाला है, अब मेरे ख्याल से हर एक दिन ऐसे ही जाने वाला है, फिर बिकॉज ऑफ इसके बाद तो फेस्टिवल आ जाएंगे यानी होली आ जाएगी, तो उसकी तैयारी में हम बिजी रहेंगे, होली के बाद नवरात्रि आ जाएगी और उसके बाद तो मेरी डिलीवरी की डेट मैंने आपको बताई है वो बिल्कुल पास ही होगी। तो चलिए अब मैं रखती हूँ, आज का व्लॉग हम यहीं तक करते हैं, फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, सी यू।